चैनल माय नेम इज खुशी। आज फ्रेंड्स मैं आपको एक डिजाइनर साड़ी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि आप प्लेन साड़ी में से कैसे अपने लिए डिजाइनर साड़ी निकलवा सकते हैं, या फिर आप खुद भी, अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप खुद भी अपने लिए साड़ी स्टिच कर सकते हैं, या फिर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो आप अपने बुटीक से या अपने टेलर से भी बनवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी कि आप प्लेन साड़ी में से अपने लिए कैसे डिजाइनर साड़ी बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी साड़ी है, ये मैंने ये ब्लैक कलर की प्लेन जो ब्लैक साड़ी आती है मैंने उसमें से फ्रेंड्स ये बनवाई है। मैंने ट्राई ऑन भी किया है, आप देख लेना ट्राई ऑन में ये कैसी लगती है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको इधर से दिखाती हूँ, ये इधर वाला आपको अगर साड़ी बांध नहीं आती फ्रेंड्स तो आपको पता होगा ये वाला हिस्सा हमारा इधर हो जाता है। फिर हम प्लेट लगाते हैं, प्लेट मतलब प्लेट बांधते हैं अंदर भी जो हमारी टक होती है प्लेट, ये वो वाला हिस्सा है फ्रेंड्स। तो ये रेड टू स्टिच प्लेट है, इसमें ये इधर तीन बूटियाँ लगी हुई हैं इस तरह से, ये ऐसे, और ये सिक्वेंस का कपड़ा बीच में लगा हुआ है। ये फ्रेंड्स 2 मीटर सिक्वेंस का कपड़ा लगा हुआ है इसमें, ये वाला मैंने तो ये नहीं दिया था। आप चाहो तो आप अपने बुटीक को या अपने टेलर को 2 मीटर खरीद के भी दे सकते हो। मैंने तो ये बुटीक से बनवाया था तो मुझे 2500-1600 रुपये की साड़ी पड़ी थी। आप अगर अपना मटेरियल दोगे तो शायद आपको थोड़ा सा और सस्ती पड़ेगी साड़ी। इस तरह से फ्रेंड्स आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, इस तरह से बीच में ये लेस जाती है तो ये इसको ऐसा लगता है जैसे खुद भी प्लेट्स लगी हुई है। फिर इस पे ये छोटी छोटी बूटियां बनी हुई हैं इस तरह से, ये साड़ी प्लेन तो है ही लेकिन थोड़ा सा ये और हैवी लगे पल्लू भी रेडी टू स्टिच है। अगर आप न्यूली मैरिड हो या फिर आपसे साड़ी बांधना नहीं आता है, ये इस तरह से ये इस पे आ जाता है शोल्डर पे। इस पे भी फ्रेंड्स 3 बूटियाँ जैसे हमारे यहाँ लगी हुई है नीचे प्लेट्स में, ऐसे ही यहाँ पे लगी हुई है सेम इस तरह से। और ये फ्रेंड्स पल्लू है, ये ऐसे पल्लू पे ये छोटे छोटे सिक्वेंस से लगा दिए हैं ये। और सबसे मेन चीज़ फ्रेंड्स इसमें लैस होती है, आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको सबसे मेन चीज़ इसमें लैस का काम होता है, अगर आप अच्छे से लैस मैच कर सकते हो तो आपको जैसे रेड आपको रेड कलर की बनवानी है तो उसके साथ किस तरह से ब्लैक कलर की बनवानी है तो आप किस तरह से। मैंने फ्रेंड्स ये मल्टी लिया है तो ये और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। सबसे मेन काम होता है इसमें लैस का, आप अपने अकॉर्डिंग लैस लगवा सकते हैं इसमें, आपको कैसी लैस सुंदर लगेगी। आप चाहें तो ये वाली लैस अगर मिल सके तो आप ये वाली भी लगवा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये मेरी पूरी साड़ी है इस तरह से, और फिर इसका ये ब्लाउज है और ये वाला ये फ्रेंड्स वेलवेट का ब्लाउज है, ये भी आप चाहो तो अपना कपड़ा दे सकते हो। मैंने तो उन्होंने ही सिल के दिया था मुझे, उन्होंने अपना ही कपड़ा लगाया था। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसकी स्लीव्स है, और पीछे ये बैक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पतली सी पाइपिंग जा रही है और ये छोटा सा ये बूटी है, डीप नेक है फ्रेंड्स ये वाला, और ये तस्तर लग रहा है इसमें, ये डोरी लगी हुई है। डोरी फ्रेंड्स इसलिए लगाते हैं कि आपका अगर ये पड़ा है तो ये शोल्डर आउट ना हो, फिर आपकी शोल्डर डाउन ना हो। शादी में या फिर घर में कोई पूजा वगैरह है आप अच्छी तरह से इसको कैरी कर सकते हो, आपको कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि हाँ मुझे साड़ी बांधने में दिक्कत हो रही है या मुझे पिन तो आपको लगानी पड़ेगी।